हम दम मेरे मान भी जाओ। 1965 में ओपी नैयर और आशा भोंसले के रिश्ते परवान पर थे। दोनों बंबई में लगभग रोजाना एक दूसरे के साथ देखे जाते थे। ऐसे में आशा भोंसले ने ओपी नैयर के लिए एक और यादगार गाना गाया। इस गाने का जलवा ऐसा था कि लोग इस गाने के बहाने बार बार मधुबाला को देखते और उनके हुस्न के असर से दीवाने हो जाते। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, 28 जनवरी को संगीतकार ओपी नैयर की पुण्यतिथि पड़ती है, इसलिए इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार ओपी नैयर की। ओपी नैयर के साथ हम बात करेंगे गायक मोहम्मद रफी की, आशा भोंसले की, गीता दत्त की और ओपी नैयर के अमर गानों की, जिन्हें मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और गीता दत्त ने गाया। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये कैसा हनामा। दोस्तों, ओपी नैयर ने बतौर संगीतकार अपना करियर शुरू किया था 1952 में फिल्म आसमान से। उनकी आखिरी फिल्म थी जिद। 3 दशक से ज्यादा के अपने करियर में ओपी नैयर ने कुल 77 फिल्मों में संगीत दिया और सब मिलाकर 598 हिंदी गानों में उनका संगीत गूंजा। संगीतकार ओपी नैयर के जो गाने हिट, सुपरहिट और अमर हुए, उन्हें मोटे तौर पर 3 सिंगर्स ने अंजाम दिए। ये 3 सिंगर्स हैं मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और गीता दत्त। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद रफी की। मोहम्मद रफी ने ओपी नैयर की 77 फिल्मों में से 57 फिल्मों में गाने गाए और इन 57 फिल्मों में मोहम्मद रफी के गाए कुल गानों की संख्या रही 203। इनमें 60 सोलो और 143 युगल गाने रहे। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं। अब आते हैं गायिका आशा भोंसले पर। उड़े जब जब जुल्फे तेरे कवारियों का दिल मचले। आशा भोंसले ने ओपी नैयर की 60 फिल्मों में गाने गाए। इन गानों की कुल संख्या है 324। इनमें से 168 सोलो हैं और 156 युगल गाने हैं। और अब आखिर में बात करते हैं गायिका गीता दत्त की, जिन्हें गुरुदत्त से शादी के पहले गीता राय के नाम से जाना जाता था। गीता दत्त ने ओपी नैयर की 22 फिल्मों में कुल 65 गाने गाए। इनमें से 37 सोलो थे। मेरा नाम चिंग चिंग चु, चिंग चिंग चु, बाबा चिंग चिंग चु, रात चांदनी में और तू। गानों की लोकप्रियता के हिसाब से देखें तो ओपी नैयर की जो पहली सुपरहिट फिल्म थी 1954 में आई आर पार। होंठों पर तकरार, कभी यार कभी पार। इस गाने को गाया है शमशाद बेगम ने। शमशाद बेगम ने ओपी नैयर के लिए कई खूबसूरत गाने गाए। उन्होंने ओपी नैयर की 23 फिल्मों में कुल 39 गाने गाए, जिनमें 15 सोलो हैं। अब आर पार के इस गाने को सुनिए। मोहब्बत कर लो, घी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। इस गाने को गाया है मोहम्मद रफी ने और इसमें उनका साथ निभाया है गीता दत्त ने। मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने मिलकर इस फिल्म में एक और खूबसूरत गाना गाया है। कट गई पतंग भी डोर अब न डालिए, और किसी के सामने जाके दिल उछालिए। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया। मोहम्मद रफी और गीता दत्त की जोड़ी ने ओपी नैयर को आगे भी कई खूबसूरत गाने दिए। गीता दत्त ने मोहम्मद रफी के साथ कुल 22 गाने गाए। गीता दत्त के इन गानों का असर आज भी वैसा ही है जो उस समय था। कहते हैं आर पार के पहले ओपी नैयर अपनी लगातार होती फ्लॉप फिल्मों की वजह से
निराश होकर अमृतसर लौटने का मन बना चुके थे, लेकिन आर पार के गानों ने बंबई में पैरों के नीचे जमीन दे दी और इसमें गीता दत्त की अहम भूमिका रही। कहते हैं फिल्म आर पार के गानों का असर ऐसा हुआ था कि उस दौर के फिल्म निर्माताओं ने उस वक्त बन रही अपनी फिल्मों के रिकॉर्ड किए हुए गानों को ठंडे बस्ते में डाल दिया था और उनके बीच अपनी फिल्मों में संगीतकार ओपी नैयर से गाने तैयार कराने की होड़ मच गई थी। गीता दत्त ने ओपी नैयर की 1952 में आई उनकी पहली फिल्म आसमान के लिए गाना गाया था और इसके दो साल बाद 1954 में आर पार में गीता दत्त ने ओपी नैयर को बंबई में एक आसमान दे दिया था जिसमें अब वो जितनी दूर तक चाहें उड़ान भर सकते थे। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। दोस्तों 1954 के बाद 1955 में आई ओपी नैयर के मिस्टर एंड मिसेस 55। मधुबाला के साथ ओपी नैयर की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म में भी मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने ओपी नैयर के लिए कमाल दिखाया। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है। और इस फिल्म में जानी वाकर के इस गाने को भला कौन भूल सकता है। जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। मोहम्मद रफी और गीता दत्त के इस गाने को वक्त छू भी नहीं पाया है। के बाद 1956 में गुरुदत्त की फिल्म आई सीआईडी। वहीदा रहमान ने इसी फिल्म से हिंदी फिल्मों में कदम रखा था। इस फिल्म में मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने एक बार फिर कमाल दिखाया। अच्छा तो ये दिल हमारा हो गया, आँखों की आँखों में इशारा हो गया। 1956 के बाद 1957 में दिलीप कुमार की फिल्म आई नया दौर। इस फिल्म में मोहम्मद रफी के साथ थी आशा भोंसले। जब जब तेरे। फिल्म निर्माता बीआर चोपड़ा की फिल्म नया दौर से कई कहानियां जुड़ी हैं। एक तो ये कि इस फिल्म के निर्माण के दौरान दिलीप कुमार ने कोर्ट में ऐलान कर दिया था कि हाँ वो मधुबाला से मोहब्बत करते हैं और मरते दम तक उससे मोहब्बत करते रहेंगे। दूसरी कहानी ये है कि इस फिल्म के लिए बीआर चोपड़ा मेन फीमेल वॉइस के लिए लता मंगेशकर को लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि गायिका लता मंगेशकर का नाम संगीतकार ओपी नैयर की डिक्शनरी में था ही नहीं, इसलिए उन्होंने बीआर चोपड़ा के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था। नया दौर के लिए मेन फीमेल वॉइस के लिए चुना गया था आशा भोंसले को। यूं तो ओपी नैयर 1952 में आई अपनी दूसरी फिल्म छम छमा छम से ही आशा भोंसले से गाना गवा रहे थे, लेकिन फिल्म नया दौर से आशा भोंसले के करियर में भी एक नया अध्याय शुरू हुआ था। इस फिल्म के बाद उन्हें हिंदी सिनेमा में लता मंगेशकर के मजबूत विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। उनका कद लता मंगेशकर के बराबर हो गया था और फिल्म उद्योग में ये संदेश सबके पास चला गया था। यहाँ ये बता देना ठीक रहेगा कि ओपी नैयर फिल्म उद्योग में अकेले ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने लता मंगेशकर से एक गाना भी नहीं गवाया और इसके बावजूद वो 50 के दशक के मध्य से दशक के आखिर तक हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में शुमार होते रहे। 1957 में ही ओपी नैयर की एक फिल्म आई थी तुमसा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुमसा नहीं देखा। मोहम्मद रफी ने शम्मी कपूर के लिए इस गाने को बड़ी नजाकत से गाया है। 1957 में नया दौर और तुमसा नहीं देखा जैसी सुपरहिट और हिट फिल्में देने के बाद 1958 में ओपी नैयर ने फिर कमाल दिखाया। फिल्म थी हावड़ा ब्रिज। इस गाने को गाया है आशा भोंसले ने, जो तब ओपी नैयर की जिंदगी में बहार बनकर आ चुकी थीं, उनके दिल की धड़कन बन चुकी थीं। पर्दे पर इस गाने को गाया है बेपनाह हुस्न की मल्लिका मधुबाला ने। इस गाने का जलवा ऐसा था कि लोग इस गाने के बहाने
बार बार मधुबाला को देखते और उनके हुस्न के असर से दीवाने हो जाते। देखा मैं चल के जिधर, जानकारों का मानना है कि 1958 से ओपी नैयर और आशा भोंसले के रिश्ते परवान चढ़ रहे थे और साल 1958 से ही ये तय हो गया था कि अब ओपी नैयर की आंखों का तारा कोई है तो वो है गायिका आशा भोंसले। फिल्म हावड़ा ब्रिज में गीता दत्त का भी एक गाना है और ये गाना ऐसा है जिसने असर के मामले में आशा भोंसले के आइए मेहरबान को भी फीका कर दिया था। पर्दे पर इस गाने को गाया है कैबरे डांसर हेलेन ने। उस दौर में जब ये गाना बजता था तो लोग अपना दिल थाम लिया करते थे। ये गाना तब लोगों को जैसे पागल बना दिया करता था। मेरा नाम चिंग चिंग चु, चिंग चिंग चु, बाबा चिंग चिंग चु, रात चांदनी में और तू। जानकारों का मानना है कि हावड़ा ब्रिज आखिरी फिल्म थी जिसमें ओपी नैयर ने गीता दत्त को एक बढ़िया सोलो गाना गाने का मौका दिया। इस फिल्म के बाद गीता दत्त का नंबर आशा भोंसले के बाद ही आया और उनके गानों को वो तवज्जो नहीं मिली जो पहले मिलती थी। जैसे जैसे आशा भोंसले ओपी नैयर के दिल में जगह बनाती गईं, गीता दत्त को गाने के मौके कम मिलने लगे और एक समय ऐसा आया जब आशा भोंसले ने ओपी नैयर के दिल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और इसके बाद तो ओपी नैयर ने गीता दत्त से किनारा ही कर लिया। हालांकि उस समय गीता दत्त को ओपी नैयर की सख्त जरूरत थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब संगीतकार ओपी नैयर और गायिका आशा भोंसले पूरी तरह से एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। ओपी नैयर ने आशा भोंसले की खातिर अपनी पत्नी, अपना परिवार, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इस दौर में आशा भोंसले ने अपना बेस्ट ओपी नैयर को दिया था, या यूं कहें कि ओपी नैयर ने आशा भोंसले से बेस्ट निकलवाया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा। ये गाना फिल्म फागुन का है। ये फिल्म भी आई थी 1958 में। इस फिल्म में आशा भोंसले के साथ हैं मोहम्मद रफी। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। 1958 के बाद ओपी नैयर की कई फिल्में आईं जिसने बड़ी धूम मचाई। शारों की शारों में दिल लेने वाली। फिर 1965 में ओपी नैयर की एक फिल्म आई मेरे सनम। मोहम्मद रफी ने ओपी नैयर के लिए एक बार फिर कमाल दिखाया। बस एक छांव ज़ुल्फ की। 1965 में ओपी नैयर और आशा भोंसले के रिश्ते परवान पर थे। दोनों बंबई में लगभग रोजाना एक दूसरे के साथ देखे जाते थे। ऐसे में आशा भोंसले ने ओपी नैयर के लिए एक और यादगार गाना गाया। उन्नीस सौ 1965 के बाद आशा भोंसले ने ओपी नैयर के लिए कई खूबसूरत गाने गाए। ओपी नैयर के जीवन में आशा भोंसले को आए एक दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। फिर वक्त ने करवट ली, ओपी नैयर और आशा भोंसले के रिश्ते में दरार पड़ गई और 1973 के आते आते उनका प्यार कड़वाहट में बदल गया। दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। संगीतकार ओपी नैयर की तब उम्र थी 47 साल। आशा भोंसले ने 1973 में फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए में आखिरी बार ओपी नैयर के लिए गाया। चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया। फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए के इस गाने के लिए आशा भोंसले को फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया, लेकिन आशा भोंसले समारोह में नहीं गईं। उनकी तरफ से अवार्ड लिया संगीतकार ओपी नैयर ने। कुछ लोगों का कहना है कि बाद में ओपी नैयर ने अवार्ड में मिले स्टैचू को अरब सागर में फेंक दिया था। जानकारों का मानना है कि आशा भोंसले के इस गाने में ओपी नैयर और उनके प्यार के कड़वाहट में बदल जाने की पूरी कहानी है।
आशा भोसले ओपी नैयर के जीवन में 15 साल रहीं और जब गईं तो ओपी नैयर कहीं के नहीं रहे। हालांकि उनके जीवन में एक और औरत आ चुकी थी, लेकिन उनका जीवन बिखर चुका था। वो घर से बेघर हो गए थे। 1993 में उनकी आखिरी फिल्म आई, फिल्म का नाम था जिद। इसके बाद ओपी नैयर ने संभलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके जीवन में तब तक इतने उतार चढ़ाव आ चुके थे कि वो फिर अपने जीवन को सामान्य नहीं कर पाए। इधर उधर भटकते ओपी नैयर ने ठाणे के एक फैन के घर में आसरा पाया और आखिर 28 जनवरी 2007 को वो इस दुनिया से कूच कर गए। ओपी नैयर के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया। हर वक्त यही कहा कि सब किस्मत का खेल है। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपको प्यार में।